सुना, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अखिलेश यादव से राजनीतिक गठबंधन तोड़ सकते हैं। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव से राजनीतिक गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने हामी भरी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सीटों को लेकर पेच फंस चुका है। अखिलेश यादव उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है जितनी सीटों की मांग जयंत चौधरी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जयंत चौधरी नहीं चाहते कि उन्हें बड़े स्तर पर नुकसान हो, और इसीलिए जयंत चौधरी अखिलेश यादव का राजनीतिक साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में खबरें यहां तक सामने आ रही कि जयंत चौधरी कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति का लगातार मजबूत होना यह बताता है कि मौजूदा समय में किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक कई झटका लगता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में आईटी विभाग ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर छापा मारकर अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रैली कर रही हैं और असर दिखना अब शुरू हो चुका है। यानी मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। यानी मौजूदा समय के अंदर जयंत चौधरी अगर अखिलेश से राजनीतिक गठबंधन तोड़ देते हैं और कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 200+ सीटें लाती नजर आएगी। जी हां, 200+ सीटें, क्योंकि यहां तक भी सामने आ रही है कि राकेश टिकैत जो एक और सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, जो एक और तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि राकेश टिकैत की अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है और राकेश टिकैत का कांग्रेस से जुड़ना, कांग्रेस को समर्थन करना ये बताएगा कि राकेश टिकैत और जयंत चौधरी ये दोनों चेहरे मिलकर प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रियंका जयंत चौधरी और राकेश टिकैत मिलकर बदलाव कर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में माहौल जो है अब वो लगातार बदलता नजर आ रहा है। बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है। जी हाँ, मौजूदा समय में अखिलेश यादव जो कि देखा जा रहा है कि वो उतनी सीटें जयंत चौधरी को नहीं दे रहे हैं। जयंत चौधरी चाहते कि उन्हें कम से कम 30 से 40 सीटें मिले, लेकिन अखिलेश यादव केवल 20 से 27 सीटें देती नजर आ रहे हैं और वो सीटें दे रहे हैं जो जयंत चौधरी के काम की नहीं है। तो जयंत चौधरी जो सीटें चाहते हैं वहां पर उनको फायदा जरूर मिलेगा। और वजह क्या देखी जा रही है कि जयंत चौधरी बहुत सोच समझकर सीटें पर बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव वो देते नजर नहीं आ रहे। यानी कि बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ चुकी है कि अखिलेश और जयंत चौधरी इनका राजनीतिक गठबंधन टूट सकता है। सीटों को लेकर घमासान बचा हुआ है, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और जिस तरह से मौजूदा समय के हालात है वो ये देखे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर अखिलेश के साथ गठबंधन टूट जाता है तो समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में कमजोर होना है। यानी मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता पक्ष में भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष को अभी इस बात का अनुमान नहीं है कि क्या वो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव जीत पाएंगे, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का बीजेपी के खिलाफ होना, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटर्स का बीजेपी के खिलाफ होना, युवाओं का बीजेपी के खिलाफ होना, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है, जो जनता का समीकरण है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो कांग्रेस के साथ जो है जुड़कर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल को 5 साल कम होने जा रहा है और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर कहीं ना कहीं
जिस तरह से बहुत बड़े हद तक योगी सरकार जनता के कामकाज पर खरी नहीं उतर पाई है, जनता जो फैसला कर रही थी, जनता जो मांग कर रही थी उस पर खरी नहीं उतर पाई है, इसका साफ मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि आज मौजूदा समय के अंदर जिस तरह बदलाव हो रहा है, जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि अब झटका लगना ना सिर्फ समाजवादी पार्टी को दिखता नजर आ रहा बल्कि बीजेपी को भी दिखता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से न सिर्फ चुनाव जीतती है और अच्छी सीटें निकाल लेती है, तो इसका फर्क आने वाले समय पर भी दिखता नजर आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी अभी तक कई बड़े ऐलान कर चुकी है, इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के पुराने वोटर थे, जो कांग्रेस के पुराने वोटर्स रहे हैं, जो उनको हमेशा सपोर्ट समर्थन करते थे, वोट करते थे, उन वोटर्स को जोड़ने में प्रियंका कामयाब हो रही है। प्रियंका गांधी वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, प्रियंका गांधी दलित समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, यहाँ तक कि ब्राह्मण वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ती प्रियंका नजर आ रही। तो प्रियंका गांधी वो पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश में कायम करना चाहती है जो पहले तस्वीर थी, यानी कि जब पहले दबदबा था कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, यानी कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में आज किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो प्रियंका गांधी का है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, बड़े स्तर पर रैली कर रही है और उनकी रैलियों का असर दिखना अब शुरू हो चुका है। यानी मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की राह पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता दिखते चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि किसी भी हद तक जो है उत्तर प्रदेश में जनता को अपने साथ जोड़ा जाएगा। बहुत बड़े हद तक ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह चीजें बदल रही हैं, मौजूदा समय के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह बदलाव होता नजर आ रहा है, तो ये तमाम चीजें ऐसी है ना कि जो बताता है वाकई बदलाव होना तय है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है, अगर ऐसा होता है तो वाकई तस्वीर तो बदलना तय है, क्योंकि चुनाव से पहले कई सर्वे हैं जो अभी तक सामने आए और यही चुनावी सर्वे जो कांग्रेस की जीत का इशारा करते हैं, यही चुनावी सर्वे जो इस और बताते हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलना शुरू हो चुका है। तो मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है, मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस को जिस तरह फायदा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्थितियां तो बदलेंगी और मौजूदा समय के जो हालात है वो इस और बता भी रहे कि प्रियंका गांधी की मेहनत सफल हो रही है। देखिए आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर किसकी बात कर रही है, आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद पर बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ना जनता पर बात कर रही है, ना रोजगार पर बात कर रही है, ना बेरोजगारी पर, ना अर्थव्यवस्था पर। इससे साफ पता चलता है ना कि इनको किससे मतलब है, केवल वोट से मतलब है, वोटर से मतलब है, वोट आ जाए किसी भी तरह से, लेकिन यहां पर जनता के लिए अगर कोई काम कर रहा है, अगर जनता की तकलीफ को कोई समझ रहा है तो वो प्रियंका गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस शुरू से ही जनता के लिए ऐलान करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी शुरू से जनता के साथ जुड़ी है जिसका फायदा मिलना अब दिखता भी नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।